Well done there, young one. Now then, the time has come to show you who I truly am. Welcome back to another episode of Zelda Breath of the Wild. आज हम वहीं से continue करने वाले हैं जहाँ पे हमने last time छोड़ा था. हमें सुअरों का शिकार करना था क्योंकि हमें एक डिश बनानी है वो बुढ़ों के लिए, और उसको हम जब एक डिश देंगे तो वो हमें उसके बदले एक चीज़ देगा जो हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरत है. तो बिना देरी करे हम कंटिन्यू करते हैं. क्या बात है, अरे भाग्य, ये तो पहली हमारी किस्मत देखो. हम लोग ने स्टार्ट करा और सामने ही है ये सुअर, और इसको सीधे मारेंगे हम हेडशॉट. ओ, 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 ओ नहीं, बच गया. एक और निशाना, बस एक और. ओ क्या बात है भाई साहब, गजब ही मजा आ गया. देख रहे हो एकदम, मतलब प्रो भाई साहब. रॉ मीट एक नहीं मिले हमें, दो मिले हैं. ये भी नहीं कि मतलब थोड़ा हम गवार जैसे खेलते हैं, एकदम अब स्टार्ट करते से ही सीधे निशाने पे. तो जो लास्ट आइटम है उस डिश का वो है एक फिश जो हमें यहाँ मिल जाएगी इस पॉन्ड में कहीं पे. इतने सारे पॉन्ड हैं, ये रे सामने दिख गई, ये दिखी. अब ये फिश हम फर्स्ट ट्राई में पकड़ने वाले हैं बिल्कुल आज. क्या बात है भाई साहब, हमें फिश भी मिल गई है. अब बस एक चीज़ करना है हमें, वो है कि जाके उसके लिए खाना बनाना है. हम बनाएंगे खाना. देखो हमें जो सामान चाहिए था वो है रॉ मीट कोल्ड, पकड़ो लिंक. स्पाइसी पेपर बहुत बढ़िया, एंड हायरुल बास. ये जो डिश है ये एक बंगाली डिश है, ठीक है. मीट, फिश और स्पाइसी डाल के अब हम करेंगे इसे कुक. क्या बात है भाई साहब, स्पाइसी मीट एंड सी फूड फ्राई. अब इसको हमने जो डिश बनाई है ये खिला देंगे बहुत ही बढ़िया से. आई कुक समथिंग, देखो इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, भले तो मैं कितने भी गाली दूँ लेकिन खाना पूरा खिलाऊंगा. खाली पेट गाली देने में मज़ा नहीं आता लोगों को. एल्टन, नाउ प्लीज़ अलाउ मी टू रिवॉर्ड यू योर कल्नरी एफर्ट विद दिस बॉम ट्यूबलेट. ट्यूबलेट, ट्यूबलेट क्या होता है मैं सीधे सीधे बता देता हूँ तुम्हें, हमें जाना कहाँ है. ये मैप देखो, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है. हमें जाना है यहाँ पे, ये ब्रिज क्रॉस करके जो टूटा हुआ है यहाँ जाना है. इस जगह का नाम क्या है, माउंटेन हाइलिया. ये बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. यहाँ पे पहुँचने के लिए तुम्हें कोल्ड रेजिस्टेंस चाहिए. अब हो गया. ये देखो इसे लगने लगी ना ठंड, इसे हम पहनाएंगे गर्म कपड़े क्योंकि वैसे भी देखो अक्टूबर हो गया, अब दिवाली के बाद ठंड आने वाली है. यह शांति मिल गई इसे भी, अब हम आराम से जा सकते हैं, वरना क्या धीरे धीरे हमारी हेल्थ कम होती है और हम मर जाते हैं. चलो अब चलते हैं. पहले तो ये ब्रिज टूटा हुआ है, इसको ठीक करना है. अरे तू हर बार पे बम मत निकाल लिया कर, हमें चाहिए मैग्नेट. एक सेकेंड, ये आवाज़ किसकी थी? अरे भाई साहब ये कहाँ से आ गया? इसकी मुंडी फोड़ो बहू चक्की, इसकी भी मुंडी फोड़ो. कहाँ इसका सर कटिया ये, लेकिन इसने अच्छा दे दिया. ट्रैवलर स्फीयर, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया. ये देख रहे हो तुम्हें, तुम लोगों को ओसीडी है ना, ओसीडी की मैं उठाता नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा. दिख ही नहीं रहा कुछ, कहाँ जा रहा हूँ मैं. ओ शिट, क्या हो गया? ना, ये तो डूब गया, अंदर ही डूब गया. ऊपर उठाओ इसे. हाँ शाबाश 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 इंडिया. हाँ
ऊपर ऊपर लेके आओ भाई ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आन दे नीचे करो नीचे करो। ना ना पीछे आगे। हाँ नीचे 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 भाई ऊपर का। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चल जाना चाहिए काम पूछ जाएंगे इतना तो। ओ फक साहब ये क्या हुआ। ओ नो 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 नो। अबे इसका तो मैं सर उठा लूँगा। बहुत ही बढ़िया। सर चाहिए अपने दोस्त का। नहीं दूंगा मैं इसे नदी में फेंक रहा हूँ। ये फेंक दे। अरे क्या लात मारी है भाई साहब। बहुत ही बढ़िया मजे आ गए। दूसरा का अरे पत्थर मार रहा है ऐसे कैसे। इसका भी सर जाएगा नदी में। बहुत ही बढ़िया। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। यस क्या बात है भाई साहब देख रहे हो। ओ परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे थोड़ी मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेके ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है भाई साहब। मैं एकदम पर सिविल इंजीनियरिंग ट्राई वन फर्स्ट ट्राई में हो जाएगा ये देखना था। मेरे ख्याल से हो गया। अरे हो गया कहीं ना कहीं तो अटक गया देख रहे हो। पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ इसे। बहुत हो गया। अब तो क्या बोल रहा था मैं। ऐसे ही थोड़ी मैंने डिग्री ली है अपनी इस इंजीनियरिंग में भाई साहब। पुल बनाने में एक्सपर्ट हूँ ठीक है। अपने टाइम पे मैंने इतने ब्रिज बनाए हैं ना इतने ब्रिज बनाए हैं। रेक्टिफायर ब्रिज पीटस्टोन ब्रिज स्टार डेल्टा ब्रिज। मजे आ गए। इतनी ठंड में ये पता नहीं कैसे एक जैकेट में इसका काम चल जा रहा है। यहाँ पे भी दिल्ली में ठंड हो गई ना मतलब जैकेट पे रूपा ये क्या आ गया। ओ बच गए। रूपा थर्मोकॉट। ओ ये सो रहे हैं क्या। प्यार से सो रहे हैं। आई मीन ये सो रहा था। गया अपने दोस्तों को उठाने। अरे 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 ऐसे कैसे ऐसे कैसे। एक सेकेंड मिस्टर क्या मारा भाई साहब क्या मारा है इसने। ये देखो कहाँ जा रहा है। अरे 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 गुस्से में ही क्या कर रहा है। बाल्टी फेंकेगा। कोई मुझ पे बाल्टी नहीं फेंक सकता ऐसे। रिस्पेक्ट यार रिस्पेक्ट करो। बाल्टी कौन फेंकता है। अब आ गए हैं हम अपनी थर्ड श्राइन पे। श्राइन का नाम है केनी करनी माता। क्या बात है करनी माता श्राइन। कायरोनोसिस्ट्राइल। ओके क्रिएट अ पिलर ऑफ आइस फ्रॉम अ वाटर सरफेस। ओके तो मैं बताता हूँ कायरोनोसिस होता क्या है। अभी ये पानी दिख रहा है अभी अपन इसके ऊपर जा नहीं पा रहे बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। देखो बहुत ऊंचा है ये तो बिल्कुल एथलेटिक नहीं है। बट हम एक काम कर सकते हैं। ये देखो भाई साहब लॉज ऑफ फिजिक्स 101। हम बर्फ पानी में से निकाल देते हैं। बर्फ में से पानी निकालने के कितने फ़ायदे हैं। दरवाज़ा दिख रहा है तुम्हें जेल का ये तो बंद है। बट क्योंकि हमारे पास है कायरोनोसिस। ये देखो क्या बात है भाई साहब। कोई दरवाज़ा हमें रोक नहीं सकता। और कोई ये कहां से आ गया माइकल लाल भाई साहब देख रहे हो। अब अपन को डॉज करना आता है। बैक फ्लिप भी आती है करना। बैक फ्लिप भाई साहब ये देखो। अरे शिट क्या हो गया। गजब एकदम गजब भाई मेरे। ये उठा लेता हूँ मैं। तुम लोगों को इतना भी ओसीडी नहीं दूंगा। ये तो चाहिए अपने को। एशियंट स्प्रिंग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अब ये देखो ये सीसॉ से मैं दोनों डायरेक्शन में जा सकता हूँ। इस साइड भी। किस साइड जाना बढ़िया होगा देखो। क्योंकि मैं तो हूँ राइटी। मैं राइट हैंड से लिखता हूँ इसलिए हम जाएंगे लेफ्ट पे। हट
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेल, हम किसी भी साइड से जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें अभी तक वो ट्रेजर मिल गया, ट्रेजर मिल गया। वहाँ पे है ट्रेजर। ये ट्रेजर लेने के लिए मेरे ख्याल से एक पानी में यहाँ पे वो निकाल देते हैं, तो बड़ा ही छोटा है। अरे अबे क्या चमन है भाई, इतना सा जंप नहीं हो जा रहा तुझसे, रुक जाओ। क्या मिला क्या मिला? ओ, ट्रैवलर्स फियर, बहुत बढ़िया। कौन है जो मतलब ट्रैवलर यहाँ पे आए और उन्होंने अपना स्फीयर जो था यहाँ पे रख दिया? मतलब अच्छा वाला लूट तो वो लूट के चले गए, उसके बदले हमें अपना वो सस्ता सा स्फीयर यहाँ खजाने में रख के चले गए, बताओ क्या बात है। श्राइन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई, इतना छोटा सा था, सिंपल सा, क्या बात, क्या सीन है यार। यहाँ से वो वॉल्केनो क्या बढ़िया लग रहा है। तो मैं दिखाता हूँ मैं सिनेमैटिक व्यू में, थोड़ा स्लो सिनेमैटिक होना चाहिए, बट अब हमारा नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन वहाँ पे, हमें जाना है उस साइड। हम नीचे कैसे जाएंगे? नीचे तो यहाँ से उतर जाएंगे बड़े आराम से, हमें वो पहाड़ी क्रॉस करनी है। कौन सा वाला पिज़्ज़ा बेटर है, डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट? हट, हाँ हट, देखा। अरे वो कहाँ है हमारा श्राइन, कहाँ है? वहाँ आगे दिखा रहा है। ओ ओ ओ ओ हो हो, भाई साहब प्रो गेमिंग, बच गए बस। ये तो बड़ा ही खतरनाक है। हट हट, ओमा दीमा श्राइन। अब हम आ गए हैं स्टेसिस ट्रायल, जो हमारा लास्ट ट्रायल है। और ये वाला जो ट्रायल है ना, ये वाला बहुत ही तगड़ा है। इसमें तुम फिजिक्स के रूल्स को बेंड तो नहीं करोगे, बट काइंड ऑफ मस्त तरीके से एकदम यूटिलाइज करेंगे। स्टॉप द फ्लो ऑफ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो, जोनस बन जाओगे तुम लोग, जोनस। और टाइम को जो है, ये देखो, ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, बट इस चरखे को हम नहीं रोक देंगे, उसका हमने टाइम रोक दिया यहाँ पे। टाइम भी रोका है हमने फॉर अ टाइम बीइंग, ये देखो फटे, बहुत ही बढ़िया फटे वो तुम्हारा। थोड़ी देर के लिए हम टाइम को रोक सकते हैं। और एक और चीज़ है जो टाइम के साथ फिजिक्स की, ओ शिट 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 शिट, हाँ एक और चीज़ इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री आती है वो है ये, वो बॉल देख रहे हो और ये हैमर देख रहे हो, ये हैमर उठा लो पहले। तो इस हैमर को ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ गिरना नहीं यार, गिरना नहीं, वो तो रुका हुआ है, बट टाइम के साथ मोमेंटम उसका क्या होगा? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोक दूँ टाइम में और इसको मैं मोमेंटम इंक्रीज कर दूँ उसका, फटे मुँह तुम्हारा, बहुत बढ़िया। आइट, अब देखो मोमेंटम क्या करेगा। हो 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 हो, गजा, ये कहाँ जा रहा है? बाय बाय, नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। ये हमारा लास्ट वाला ट्रायल जो था वो भी हो गया खत्म, बहुत बढ़िया। अब हमने कर लिए हैं सारे श्राइन्स। अरे यार ये यहीं आ गया, कहाँ है, कहीं से आएगा ये रहा। हाँ हाँ समझ गए, वो वहाँ पे तुम्हें वो दिख रहा है, चर्च, वो चर्च जहाँ स्टार्टिंग में क्रॉस करके आए थे, जिसे वो रहा वहाँ सामने, वो चर्च के अंदर जाना है अब हमें। आईपीएल का पहला मैच स्टार्ट होने वाला था थोड़ी देर में यहाँ पे। टेंपल ऑफ टाइम, टेंपल में अगर जा ही रहे हैं तो मत्था टेक के आते हैं माता रानी का, है ना? कहाँ से टेकना है माता रानी का, क्या मत्था? अरे ये रही माता रानी, माता रानी क्या मत्था टेक लो भाई, आ जाओ, जय हो माता टाइम की।
You who have conquered the shrine and claimed Nanana, I can offer you great power. It appears you have claimed 4 spirit orbs. In exchange of 4 orbs, I need a health container. देखो मेरे को health चाहिए. मेरे पास 3 ही दिल हैं और ये 3 दिल से 2 तो मेरे दिल तोड़ दिए किसी ने life में. तो मेरे को चौथा दिल चाहिए ताकि मैं उसे फिर से तोड़ा सकूँ. बहुत ही बढ़िया, तगड़ा. Go and bring peace to Hyrule. Hyrule को तो कोई ऊपर से ये, अरे फिर आ गया अंकल सेंटा क्लॉस. हो हो हो, ये देखो ये चिमनी पे ही है सेंटा क्लॉस, मुझे पता था. Here I am. Get up quickly. अरे भाई तुम यार एक पैराग्लाइडर के चक्कर में तुमने मुझसे इतना काम कराया है ना. इतना काम तो मैं मतलब दिवाली पे अपने घर पे नहीं करता सफाई का. थका दिया बेचारे को, सांस तो लेने दे एक बारी यार, एक बारी के लिए. और ऊपर कहाँ से जाना है, यहीं से जाना है क्या? बताओ मतलब ऐसे सीधे कहीं पे नीचे नहीं खड़ा हो सकता था वहां माता रानी के साथ? भाई साहब को ऊपर ही आके खड़ा होना है ऊपर. Well done there, young one. Now then, the time has come to show you who I truly am. I was King Rombosphoramus Hyrule. I was the last leader of Hyrule, a kingdom which no longer exists. तगड़ा भाई साहब, तगड़ा. The great calamity was merciless. It devastated everything in its path. Lo, a century ago, it was then that my life was taken away from me. And since that time, here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. To know Calamity Ganon's true form, one must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. Stories of Ganon were passed from generation to generation in the form of legends and fairy tales. But there was also a prophecy. The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. These relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously. This coincided with ancient legends oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power and her appointed knight chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. 100 years ago, there was a princess set to inherit a sacred power and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected 4 skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts.
With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay. Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. He appeared from deep below Hyrule Castle, seized control of the Guardians and the Divine Beasts, and turned them against us. The champions lost their lives, those residing in the castle as well. The appointed knight, gravely wounded, collapsed while defending the princess. And thus, the kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon. However, the princess survived to face Ganon alone. Link, you are our final hope. The fate of Hyrule rests with you. That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then, you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself, and nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all four divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the dueling peaks. From there, follow the road as it proceeds north. क्या बात पैराग्लाइडर दे दिया फाइनली इसने हमें द आइसोलेटेड प्लेटो कंप्लीट बहुत बढ़िया विद दैट वी शुड बी एबल टू सेफली फ्लाई ऑफ द क्लिफ्स सराउंडिंग दिस एरिया एंड आई थिंक दैट्स इट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग आई कैन लिंक यू मस्ट सेव हायरूल ओके सेव करेंगे बिल्कुल सेव करेंगे बट आज डिस्ट्रॉय गैनन गुड गुड आज हम अपनी जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं कल हम जाएंगे वो ट्विन पीक टावर पे और वहाँ से हम जाएंगे जहाँ पे भी जाना था हमें तो कल मिलते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल अगर पसंद आई ये वीडियो और लाइक करना तो भूलना ही मत भाई लाइक करना कौन भूलता है लाइक तो भाई सुबह उठो भगवान का नाम लो मेरे चैनल पर आके लाइक दबा दो ऐसे और कल मिलेंगे हम गुड बाय